बायकुला वर्सोवा को लेकर शिवसेना और कांग्रेस में टकराव। सूत्रों का कहना है कि पूरे राज्य में 15 सीटों के लिए कड़ी टक्कर है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी MVA में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। कई कांग्रेसियों के अनुसार यहां विवाद की जड़ मुंबई की 3 विधानसभा सीटें बायकुला वर्सोवा और घाटकोपर पश्चिम है। दिलचस्प बात यह है कि MVA के 2 गठबंधन सहयोगियों शिवसेना UVD और समाजवादी पार्टी SP ने बायकुला और वर्सोवा विधानसभा सीटों पर दावा ठोका है और वे पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कांग्रेस और UVD दोनों ही बायकुला और वर्सोवा को छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। UVD वर्सोवा को बहुत चाहती है जिस पर कांग्रेस सहमत नहीं है। इसी तरह सपा ने भी इन दोनों सीटों खासतौर पर वर्सोवा सीट में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जबकि हमने UPT और NCP सपा जैसे अन्य गठबंधन सहयोगियों के साथ अपनी बातचीत शुरू कर दी है। हमने अभी तक सपा के साथ ऐसी कोई चर्चा शुरू नहीं की है, हालांकि पिछले पखवाड़े से वे हमारे सभी भारत गठबंधन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस इन 2 सीटों खासतौर पर वर्सोवा सीट को छोड़ने से इनकार कर रही है। वर्सोवा सीट पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की भारती लाभेकर सांसद हैं और यह निर्वाचन क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें 22.93 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर होगा जो इसे दहिसर से जोड़ेगा, जो मुंबई तटीय सड़क परियोजना का दूसरा चरण है। कांग्रेस नेता का मानना है कि गठबंधन ने मालाबार हिल, कोलाबा, मुंबा देवी, मलाड पश्चिम, कांदीवली, धारावी और बांद्रा पश्चिम की विधानसभा सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ने पर सहमति जताई है, लेकिन MVA के भीतर अभी 15 सीटें ऐसी हैं जो विवादित हैं। मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस समिति MRCC के प्रवक्ता निजामुद्दीन राय ने कहा कि सभी 15 विवादित सीटों पर अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान द्वारा लिया जाएगा, जिसमें मुंबई की 3 सीटें जबकि बाकी सीटें पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई हैं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आलाकमान 15 विवादित सीटों पर अंतिम निर्णय लेगा। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची आने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि MVA में सभी दलों को भी अपने आंतरिक मुद्दों पर काम करना है। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।